अब खबर है मारेगांव से, जहां महिलाओं ने संतप्त होकर अवैध शराब दुकान को आग लगाकर तहस नहस कर दिया। तो आइए जानते हैं तहसील के किस परिसर का यह मामला है और किस तरह महिलाओं ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मारेगांव तालुका के वनोजा देवी में महिलाओं ने अवैध शराब बेचने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ साहसिक कदम उठाया है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना महिला अध्यक्ष उज्ज्वला चंदनखेड़े मारेगांव, इनके मार्गदर्शन में महिलाओं ने एक साथ आने और इस अवैध गतिविधि पर रोक लगाने का फैसला किया। महिलाओं को पता चला कि वनोजा देवी में अवैध रूप से शराब की बिक्री चल रही है। स्थानीय पुलिस से कई बार इसकी शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे नाराज होकर महिलाओं ने खुद ही इस समस्या का समाधान ढूंढने का फैसला किया। 8 सितंबर को दोपहर करीब 2 बजे महिलाएं शराब बेचने वाले के यहां पहुंच गई। उन्होंने अचानक ढाबा बंद कर दिया और उससे जवाब मांगा। हालांकि उस व्यक्ति ने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना और अभद्र भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। इससे गुस्साई महिलाओं ने उसका शराब का स्टॉक जब्त कर लिया और मन से स्टाइल में उसकी पिटाई कर दी। इस कार्रवाई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मारेगांव की महिला बड़ी संख्या में मौजूद थी। महिला तालुका अध्यक्ष उज्ज्वला चंदनखेड़े के मार्गदर्शन में रोशन शिंदे, युवा अध्यक्ष मनोजा देवी, उज्ज्वला डोके, सीमा शिंदे आदि महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई। सीटीवी के लिए प्रतिनिधि दिलदार शेख की रिपोर्ट।